हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है 10th 12th के वो बिल्कुल आने वाले हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो एग्ज़ाम है वो आएंगे। तो ऐसे में एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गई है CBSE की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस है, स्कूल्स ओपन नहीं है, टीचर से कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जो है स्टार्ट करी गई है, जो कि ऑनलाइन कंटेंट जो है, प्रिपरेशन कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर एक्सरसाइजेस भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें जो है इस लाइब्रेरी के थ्रू आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। सो इसका जो लिंक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका लिंक आपको दिख रहा है https://ndl.iitkgp.ac.in। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम हुए हुए या फिर प्रिपरेशन किए हुए स्टूडेंट्स को, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जिसको स्टार्ट किया है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो लाए जाएँ। सो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। स्टडी एट होम का जो यहाँ पर टैग है वो यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि कोरोना वायरस में सब स्टडी एट होम की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज है जिसके थ्रू ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन हो सकती है। सो यहाँ पे एक न्यू टैब है, जैसे आप देख रहे हैं CBSE एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी। सो ये एक न्यू टैब है जो इसमें आपको दिखेगा, जिस पे अगर आपको 10th 12th के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस टैब को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो टैब है, जब आप इस टैब को ओपन करेंगे, इस टाइप के इंटरफेस से जब आप ओपन करेंगे, तो एक न्यू इंटरफेस जो है आपको शो होगा। इस टाइप का इंटरफेस होगा जिस पे लिखा होगा CBSE एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंटेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है। तो आप किसी भी, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 10th क्लास के तरफ जाएंगे, तो इसमें तीन तरह के टैब आप देख रहे होंगे, बाय सोर्स है, बाय कंटेंट टाइप है और बाय सब्जेक्ट है। तो अगर आप सोर्स पे क्लिक तब करेंगे जब आपको कोई पर्टिकुलर सोर्स की तरफ जाना है कंटेंट में, जैसे कि NCERT की तरफ, CBSE की तरफ, दीक्षा से कुछ पढ़ना है, केंद्रीय विद्यालय का कुछ सिलेबस देखना है, एग्जाम्स के बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप सोर्स पे जाएंगे। यहाँ पे कंटेंट टाइप एक ऑप्शन है, कंटेंट टाइप आप तब क्लिक करेंगे जब आपको पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए किसी क्वेश्चन का या फिर सॉल्यूशन का या फिर वीडियो लेक्चर है, बुक्स हैं, इन सब के बारे में कोई कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप बाय कंटेंट पर जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक और टैब है बाय सब्जेक्ट, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है या सब्जेक्ट के कंटेंट को देखना है कि उसका सिलेबस क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, कोई पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज जो है वो इसमें चूज़ करनी पड़ेगी। सो ये जो लिंक है वो आप अच्छे से आप लिख लें, या फिर CBSE की साइट पर ये अवेलेबल है तो वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिस जिसका एग्ज़ाम है, ताकि सबको इसका बेनिफिट उठाने का मौका मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी और